हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के लिए साइंस यानी विज्ञान का पेपर, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं मॉडल पेपर किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न तथा एक कीट द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? मलेरिया है, पोलियो है, खसरा है, डेंगू है। तो जो इस प्रकार का ये रोग है वो है बच्चों मलेरिया, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, आलू का प्रवर्धन के उपयोग से होता है, यानी आलू जो है किससे अपना पौधा जो है उगता है, जड़ से, बीज से, पत्ती से, तना से। तो इसका भी सही आंसर बच्चों होगा तना। जो हम आलू खाते हैं ये भी एक तना होता है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है ये जड़ होता है, जो कि गलत है। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। अगला है, जैव निम्नकरणीय नहीं है। इसमें जैव निम्नकरणीय नहीं है, कागज़ है, लकड़ी भी है, ऊन भी है, लेकिन प्लास्टिक की थैली जैव निम्नकरणीय नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, लुई पाश्चर ने डैश डैश का आविष्कार किया, पेंसिलिन, एंथ्रेक्स जीवाणु, किडवन और टाइफाइड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर अगर आपने सोचा है सी, किडवन फर्मेंटेशन यानी, तो इसका आंसर सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला, पीला, काला या फिर लाल। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी काला, तो आपका आंसर यानी ब्लैक। अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष यानी जो आकाश को देखेगा, जो हमें नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन उसे वो काला दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? जलवाष्प, मीथेन, सीएफसी, तो या फिर उपयुक्त सभी। तो चूंकि ग्रीन हाउस ये गैसेस सभी हैं, जलवाष्प भी है, मीथेन भी है, सीएफसी भी है, यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तड़ित चालक बना होता है जिसमें क्या स्थानांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत प्रेरण, प्रकाश ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। और सही आंसर है बच्चों ए, विद्युत ऊर्जा। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। भारत के वो क्षेत्र जो भूकंप के लिए सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल है, कश्मीर है या फिर राजस्थान है। और अगर आपने सही आंसर चुना है ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के विद्युत लेपन में निम्नलिखित में से किसका मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं किया जाता? निकिल है, सोडियम है, क्रोमियम है और लास्ट ऑप्शन तांबा दिया गया है। कभी भी सोडियम का लेपन नहीं किया जाता है, अन्य सभी निकिल है, क्रोमियम है, तांबा, इन सब का जो विद्युत लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। बहुत से बच्चे प्रश्न गलत कर देते हैं, चमगादड़ लगा देते हैं, तो ये अपश्रव्य नहीं, वो पराश्रव्य सुनता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बच्चों होगा गैंडा। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि तरंगे सबसे तेज किसमें चल सकती हैं? ठोसों में, द्रवों में, गैस में, वायु में। 100% मैंने ये प्रश्न कराए हैं और आपने अगर ऑप्शन ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता तो उसकी आंख में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, रतौंधी है, दूर दृष्टि दोष है या मोतियाबिंद है? तो यहाँ पर उल्टा होता है, ये दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता तो इसमें दूर दृष्टि दोष नहीं है, यानी वो पास की चीजें देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के भोजन में अधिक समय तक निम्नलिखित की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम सेवन नहीं करते हैं तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर लास्ट ऑप्शन है विटामिन डी। और आपको पता होगा रतौंधी रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता? अधिकतम, न्यूनतम
या ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं, जो ध्रुव होते हैं वहां पर पृथ्वी जो जी का मान होता है वो अधिकतम होता है। बच्चों ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। सभी को पता होगा ये क्या कहलाता है, ये बल यानी जो एकांक क्षेत्रफल पर लगता है उसको हम लोग दाब कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा, चूंकि पी बराबर एफ अपान ए होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एड्स रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु, कृमि, विषाणु या फिर प्रोटोजोवा। सही आंसर होगा बच्चों सी विषाणु। अगला प्रश्न आपके सामने है, विकास के पश्चात बीजांड बनता है किसके, भ्रूण बनाता है, बीज बनाता है, भ्रूण कोष बनाता है या फिर फल बनाता है। जिसका बिल्कुल सही आंसर होगा बीज, ऑप्शन बी वाला आप लगाए होंगे, नहीं लगाए तो आप लोग ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पराग कणों का अंकुरण होता है वर्तिकाग्र पर, वर्तिका पे या वर्तिकाग्र पर या अंडाशय पर या फिर इनमें से कोई नहीं। 18वें का ऑप्शन हो जाएगा बी वर्तिकाग्र पर, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव भारत की रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध नहीं है, काली बदक, उड़ने वाली गिलहरी, चीता या फिर तेंदुआ। अभी भी तेंदुआ बहुतायत में पाए जाते हैं इसलिए इसे रेड डाटा बुक में अंकित नहीं किया गया है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, अच्छा प्रश्न है, साइबेरियन सारस प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में कुछ महीनों के लिए भारत आ जाते हैं, यानी शीत ऋतु जब होती है हमारे यहाँ तो ये सारस आते हैं। क्यों आते हैं, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए या फिर अत्यधिक वर्षा से बचने के लिए या परभक्षियों से बचने के लिए। क्योंकि जब हमारे यहाँ सर्दी होती है उस समय साइबेरिया में भयंकर जो है सर्दी पड़ती है, इसलिए वो सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए भारत की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीवाणु, उच्च पादप, कवक या फिर उपयुक्त सभी। तो ये चूंकि यहाँ पर जो भी उदाहरण आपको दिए गए हैं इन तीनों में पाई जाती है, तो इसका आंसर आप लगा लेंगे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, केरोसिन है, सीएनजी है, बायोगैस है या फिर एलपीजी। और आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बायोगैस। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनकरणीय प्राकृतिक स्रोत, नवीनकरणीय मतलब जिस ऊर्जा को आप यूज करते हैं दोबारा फिर उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कोयला है नहीं, पेट्रोलियम है नहीं, जंगल है नहीं, नष्ट कर दिया फिर आप उगा नहीं सकते उतनी जल्दी, लेकिन जल में आप बार बार बांध बनाकर उसी जल को प्रयोग कर सकते हैं, और इसका मतलब ये ऊर्जा का नवीनकरणीय प्राकृतिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जो अनुपात है 1:3 जब मिलाया जाता है तो ये क्या बनाता है, ये अम्लराज बनता है, एल्निको बनता है या पर क्लोरिक अम्ल बनता है या फिर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हालांकि गलत लिख गए लेकिन इसका ऑप्शन सी ए सही होगा, अम्लराज जिसे अंग्रेजी में एकुरेजिया कहते हैं, ये ऐसा जो है अम्ल तैयार होता है, एक ऐसा एसिड तैयार होता है जिसकी जो बहुत मतलब जो है हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, जिसमें लोहे जैसी चीज़ें चंद सेकंडों में गल जाती हैं। अगला है, मशरूम है अविकल्पी परजीवी, मृतोपजीवी, प्रकाश संश्लेषी या फिर विकल्पी परजीवी। तो जो मशरूम है बच्चों ये मृतोपजीवी है, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। कुल मिला के ये हमने यहाँ पर आप लोगों को जो प्रश्न थे हमने 25 रखे, यहाँ पर हालांकि आपका 30 लिख गया तो इसे आप 25 ही पढ़ेंगे। कुल मिला के आज के हमारे ये प्रश्न कैसे लगे, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हूँ तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम।